नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्व शिक्षा की राजधानी वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी। आइए जानते हैं आपके कार्यकाल में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपके कार्यकाल की उपलब्धियाँ क्या हैं। देखिए, सबसे पहले जब हमने यहाँ ज्वाइन किया है तो उस समय पे कोरोना का पीरियड खत्म ही जस्ट हो रहा था और काफ़ी परीक्षाएं जो हैं लंबित थी। 2018 के बाद बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी थी जो नहीं हो पाई, तो सबसे पहला काम तो यही हुआ, और जो हमारे गवर्नर महोदया का भी यही उनकी भी यही रिक्वायरमेंट थी कि ये टाइम से परीक्षाएं कराई जाएं। तो सबसे बड़ी चैलेंज तो शुरू में यही रही कि परीक्षाएं कराएं, और हमने बड़े शिद्दत से हम ये बात कहते हैं कि हम लोग ठीक से परीक्षाएं करवा पाए। और ये सारी परीक्षाएं जो कई बार जैसे मेडिकल की परीक्षाएं 2018 से थीं, उन सबको पूरा किया गया, और अभी हमारा सेशन लगभग एकदम रेगुलर है। और अब जो परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं वो हम इसी महीने 28 तारीख से शुरू कर रहे हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा सेशन रेगुलराइज हो गया है और सारी चीज़ें इसी तरह चलेंगी। ये सबसे पहला चैलेंज था। कुलपति जी, अभी स्टूडेंट्स लगातार देख रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम समस्याओं को लेकर के, वो क्या इनकी मांग है और मांगों को आप कैसे समाधान कर पा रहे हैं? देखिए, बच्चों का हमेशा कोई ना कोई डिसकंटेनमेंट, कई बार कुछ एकेडमिक इश्यूज़ को लेके होता है, कई बार कुछ छात्र संघ संबंधी मसलों को लेके होता है, कई बार ये होता है कि जी परीक्षाएँ थोड़ा आगे करो थोड़ा पीछे करो। लेकिन इस मामले में हमेशा काशी विद्यापीठ में एक चीज़ अच्छी रही है कि प्रशासन और छात्रों के बीच में समन्वय हमेशा से ही ठीक रहा है। अभी भी हम लोग जो भी इनकी प्रॉब्लम होती है उसका निस्तारण बच्चों के साथ बैठ के करते हैं। आपने आज भी देखा होगा कि हम लगातार बच्चों को पूरा उनकी बात सुन के उसके बाद ही निर्णय लेते हैं। तो जहाँ तक हमारे छात्र संघ की बात है, तो अभी देखिए पीछे विधानसभा के चुनाव थे, इस करके छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए, तो हमारे कुछ विद्यार्थी हाईकोर्ट चले गए थे। लेकिन अभी हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब छात्र संघ के चुनाव की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गई है, और अगले महीने 16 तारीख के बाद या 17 या 18 को जब भी है वो चुनाव करवा दिए जा रहे हैं। कुलपति जी, अभी जो आने वाला कार्यकाल है, जब तक आप यहाँ रहेंगे, क्या कुछ नया करने वाले हैं विद्यापीठ के लिए? खासकर व्यावसायिक शिक्षा की बात की जाए, उस क्षेत्र में विद्यापीठ के कुलपति के रूप में आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, काशी विद्यापीठ महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया था, और उनके कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने उसी समय पे कहा था कि काशी विद्यापीठ को क्या करना है। तो वो तो देखिए हमारा मार्गदर्शक हमेशा रहता ही है। अभी भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, हमारे यहाँ पे गांधी अध्ययन पीठ है, उसी की कामों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलेंगे। उसके लिए गांधी जी के बनाए हुए जो दूसरे संस्थान हैं उनके साथ भी हम तालमेल लगभग बनाए हुए हैं, साथ ही जो लोकल उद्योग है, MSME है, उनके साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टअप वगैरह शुरू किया जाए। साथ ही साथ क्योंकि काशी विद्यापीठ काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे क्लासरूम्स, एग्जामिनेशन हॉल, इनकी भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। काफ़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, तो उधर भी ध्यान है। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि कम से कम एक क्लासरूम कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स कम एग्जामिनेशन सेंटर कहेंगे, उसमें हम लोग कम से कम 2,500 बच्चों को एक साथ बैठ के एग्ज़ाम ले सकें। तो एक तो हमारा ये है, दूसरे ये है कि हम लोग चाहते हैं कि अपने विश्वविद्यालय में जो एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हम लोग लगाएं। इसके साथ साथ सेकंड फेज में, ये हमारे पहले साल का हमने सोचा है, सेकंड ईयर में हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम कुछ आवासों की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आवास भी सारे लगभग पुराने ही हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि एक टीचिंग के लिए और एक नॉन टीचिंग के लिए एक एक ब्लॉक बना दिया जाए, और जो हमारे पुराने आवास हैं यदि वो उपयोग करने लायक हैं तो उनका कुछ पुनरोद्धार करें, यदि वो इस लायक नहीं हैं तो उनको फिर डिसमेंटल करके जो दूसरी हमारी चीज़ें हैं उनमें वहाँ पर शुरू किया जाए। क्योंकि देखिए, काशी विद्यापीठ क्योंकि शहर के बिल्कुल बीच बीच में है और स्पेस की यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ है, अब देखिए मेन कैंपस में ही लगभग 8,500 बच्चे हैं, और 8,500 बच्चों के लिए अब हमारे पास ठीक से हॉस्टल भी नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। क्योंकि अब हमें देखिए यूनिवर्सिटी को वर्टिकल ग्रो करना होगा, तो कई कई मंजिल की इमारतें बनानी होंगी, 8-10 मंजिल की इमारतें बनानी होंगी, ताकि ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो ये हमारी एक तवज्जो है, और हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम 3-4 चीज़ें हम लोग ऐसी शुरू करें जो यहाँ पर शुरू हो जाए। और अगले 5 साल में सोचा है कि जो हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा परिसर है हमारा गंगापुर में, वहाँ पे हम कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह शुरू करें, स्पेशली योगा और नेचुरोपैथी का हमारा प्लान है कि एक पूरी इंडिपेंडेंट फैकल्टी गंगापुर में बनाई जाए,
और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ थोड़े बेड्स वगैरह भी हों, अस्पताल भी हों। और जो बनारस में आजकल, क्योंकि बनारस भी देखिए एक बहुत बड़ा शहर हो रहा है, यहाँ पे भी लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि अब उन्हें नेचुरोपैथी की ज़रूरत पड़ने वाली है। और साथ ही साथ अब पीछे पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा भी है कि जो हमारे एलोपैथी या दूसरे तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए। जिन लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा सा लेथार्जिक है उनके लिए नेचुरोपैथी नेचुरली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमारा एक दूसरा कैंपस है भैरव तालाब में। भैरव तालाब में ऑलरेडी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के कोर्स चल रहे हैं, वो वहाँ पे बिल्डिंग थोड़ी कम है, तो वहाँ पे भी हम एक पूरा ऐसा एकेडमिक ब्लॉक बनाने का प्लान है कि ताकि वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग ICAR की मान्यता लेके वहाँ पे प्रोग्राम चला पाएँ। ICAR की एक रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम 2 बैच निकल जाएँ। अब हमारे बच्चे फाइनल ईयर में आ जाएंगे, तो इसी हिसाब से हमने सोचा है कि अगले 5 साल में हम लोग यदि ये एकेडमिक ब्लॉक बना पाए तो फिर हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि हम ICAR की मान्यता के लिए अप्लाई करें। तो वो एक हमारा दूसरा उद्देश्य है। इस तरह हमारे ये तीनों कैंपस अपने आप में बिल्कुल एकदम फुल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे ऑल रेस्पेक्ट्स में। और जो हमारा एक चौथा कैंपस है वो NTPC कैंपस, जो सोनभद्र में पड़ता है, शक्तिनगर में, जो NTPC के कैंपस के NTPC टाउनशिप के अंदर ही है, उसके लिए हम लोगों का प्रयोजन कुछ दूसरा ही है। क्योंकि वो एक ट्राइबल एरिया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कमाने के लिए नहीं जाते, वहाँ पे हम लोग सेवा के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा ये है कि कम से कम अगले साल तक हम लोग जो जनजाति के बच्चे आते हैं उनका एनरोलमेंट एटलीस्ट 100% बढ़ा लें, वो एक हमारा दूसरा लक्ष्य है। अभी मैं गया भी था वहाँ पे और हम लोगों ने पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कोर्सेज वहाँ पे लेके आएँ ताकि जनजाति के लोग छोटा मोटा अपना रोजगार शुरू कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें, और साथ ही साथ उनको जो शिक्षा प्रदान की जाए वो बहुत कम रेट पे की जाए। क्योंकि देखिए वो गरीब इलाका है, उसमें कई बार बच्चे एक बार में फीस भी नहीं दे पाते। तो हम लोगों ने वहाँ पे ये भी किया है कि यदि आप एक बार में नहीं दे पाते हैं तो इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, और इनकेस यदि कोई बच्चा नहीं भी दे पाता है तो उसको रिलैक्सेशन भी देते हैं। तो इस तरह जो हमारा एक सामाजिक दायित्व है उसको भी काशी विद्यापीठ अपनी पूरी कोशिश में है कि उसको ठीक से निभाया जाए। कुलपति जी, आपके यहाँ से कई सारे मेडिकल कॉलेज भी एफिलेटेड हैं, तो इसमें कितने कुल मेडिकल कॉलेज आपके अंडर में भी संचालित हैं? नर्सिंग कॉलेज भी हैं तमाम, उसको भी लेकर के कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो इनकी संख्या कुल कितनी है? सभी जितने मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज हैं वो नियमतः संचालित हो रहे हैं या अभी किसी का कोई समस्या है? देखिए मेडिकल कॉलेज जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रही, और जो सबसे बड़ी चैलेंज मुझे ज्वाइन करते ही हुई वो मेडिकल कॉलेजेस के संदर्भ में ही हुई। जहाँ तक कि हमारा MBBS का एक ही कॉलेज है, उनका सारा चीज़ें ठीक हैं, उनकी मान्यता भी सब कुछ ठीक है, उनके एग्ज़ाम भी रेगुलरली होते हैं, और वो हेरिटेज की बात, हाँ हेरिटेज की बात, तो उनका तो लगभग सारा ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है हमें BMS के कई सारे कॉलेजेस में, तो उसमें 3 कॉलेजेस हमारे ऐसे थे जिनके पास मान्यता है, लेकिन 2 कॉलेजेस की ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनके पास जो उनकी बॉडी होती है उसकी मान्यता नहीं थी। वो कौन तो, है उनके नाम जरा सा? तो नाम तो मुझे एग्जैक्टली पूरा एकदम से याद नहीं है, और मैं शायद इस प्लेटफॉर्म पे लेना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन ये है कि 2 कॉलेजेस की इस तरह की प्रॉब्लम है। वो लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने कहा उनके एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए। अब हाईकोर्ट ने जो संतुष्टि की बात आप कर रहे हैं, क्या संतुष्टि भी है उसमें, उनमें संतुष्टि भी है नो डाउट, तो हमने एग्जाम कंडक्ट करा दिए हैं, लेकिन अभी क्योंकि रिजल्ट हम नहीं निकाल पाए। उसमें क्या अड़चन आ रही है आपको? रिजल्ट इसलिए क्योंकि वो माननीय अदालत के आदेश पे किया गया है, और जब तक आदेश केवल एग्जाम कंडक्ट करने का था तो ऑब्वियसली हमने एग्जाम तो कंडक्ट करा दिए, लेकिन अब रिजल्ट का तो ऐसा कोई आदेश माननीय अदालत का था नहीं, और उनके पास जो है जो उनकी बॉडी होती है जो मान्यता होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है, तो इसलिए अभी हमने रिजल्ट को रोक के रखा हुआ है। जैसे ही उनकी मान्यता आती है हमारी पूरी तैयारी है कि एग्जाम सारे के सारे तुरंत कंडक्ट कराए जाएंगे। ये कुछ पुराने बैचेज की बात है, जो नए बैचेज हैं उनके एग्जाम एज यूजुअल हमने पीछे भी कंडक्ट कराए हैं, अभी भी कंडक्ट कराएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो अभी जो ये चारों आपके संतुष्टि है या फिर जो भी ABMS के जितने भी कॉलेज हैं, 5 की मान्यता प्रॉपर है, वो सब कुछ ठीक है? देखिए 3 की मान्यता तो प्रॉपर है, 2 की प्रॉब्लम है, वो अभी उन्होंने अप्लाई किया है, जैसे जैसे कहेंगे उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई करी जाएगी। मोरओवर साथ में ये है कि अब तो देखिए मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग से आ रही है, कि ये सारे कॉलेजेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ वैसे ही चले जाएंगे, तो प्रॉब्लम संभवतः ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम हमारे पास केवल पुराने बच्चों की रहेगी, तो हमने इन लोगों से यही कहा है कि उन सब पुराने बच्चों के लिए आप अपनी मान्यता ले आइए,
ताकि वो सारी चीज़ें रेगुलराइज की जाएं और उस काम को जो है पूरा किया जाए। एक बड़ा सवाल है, आपके यहाँ पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा, दो संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन दोनों संस्थाओं का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, वहाँ से निकले हुए बच्चे कहीं अच्छे संस्थानों में चयन नहीं हो रहा है, इसमें क्या खामियाँ हैं और उसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, पहले तो एक बात देखिए हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काशी विद्यापीठ में जो हमारे पत्रकारिता से संबंधित दो विभाग हैं, एक तो हम हिंदी पत्रकारिता संस्थान है हमारे पास, एक दूसरा मासकॉम डिपार्टमेंट है। दोनों ही डिपार्टमेंट हमारे, एक्चुअली सही से देखिए तो जो मासकॉम है वो तो सेल्फ फाइनेंस में है, और जो पत्रकारिता संस्थान है वहाँ के हमारे सारे फैकल्टी मेम्बर्स लगभग रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद थोड़ा सा एक वैक्यूम ज़रूर आया है। लेकिन हम लोगों ने अभी पिछले दिसंबर में ही एडवर्टाइजमेंट भेजा है और बड़ी जल्दी हम रेगुलर फैकल्टी भी रिक्रूट करने वाले हैं, तो वो चीज़ देखिए फैकल्टी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि फैकल्टी की कमी थी इस वजह से वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाई, तो अभी हमने उन सब में जो जो कमियाँ आ गई थी उन सबको रिपेयर करा दिया है। साथ ही साथ हम लोग सरकार के साथ भी टाई अप में हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक इस तरह का टीवी चैनल टाइप फैसिलिटी हमारे पत्रकारिता संस्थान में हो, ताकि हम आसपास के जो भी कैचमेंट एरिया है हमारा, वहाँ पे जो भी छोटी इंडस्ट्री की या एग्रीकल्चर वर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों का सीधा समाधान हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पर बैठ के कर सकें। तो ये एक डायरेक्ट इंटरलिंक होगा सोसाइटी के और काशी विद्यापीठ के बीच में, तो उसकी हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ मासकॉम डिपार्टमेंट में भी जो लेबोरेटरी स्टाफ की कमी की वजह से पिछले दिनों डिफंक हो गए थे, उन सबको भी दोबारा से रिवाइव किया गया है और अब सारी लेबोरेटरी ठीक से वर्किंग है और बच्चों की ठीक से ट्रेनिंग भी होगी, और जब ये सब होगा तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट अपने आप में खुद ही ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ एक और भी चीज़ हम लोगों ने देखी है कि रेगुलर फैकल्टी के साथ साथ कुछ हमने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि कुछ ऐसे पत्रकार बंधु जो कि अपने क्षेत्र के महारत हैं, जिन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, उनकी सेवाएं ली जाएं, वो केस स्टडी यहाँ पे आके प्रस्तुत करें, तो इससे हमारे बच्चों का मोटिवेशन भी होगा और साथ ही साथ काशी विद्यापीठ को प्लेसमेंट के रूप में फ़ायदा भी होगा। तो ये दो तीन चीज़ें हम पत्रकारिता के बारे में सोच रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 6 महीने में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देंगे, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई परेशानी ना आए और हमारा ये विभाग भी दूसरे विभागों की तरह एक अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड अपना पेश कर सके। त्रिपति जी, एक बड़ा परिवर्तन है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में पत्रकारों को बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में काशी विद्यापीठ का पत्रकारिता विभाग कुछ नया करने जा रहा है क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आ चुका है? हाँ, देखिए, पहले केवल पत्रकारिता के रूप में हमारे पास या तो न्यूज़पेपर होते थे या फिर टीवी चैनल्स होते थे, आजकल तो देखिए यूट्यूब चैनल हैं और भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैं और बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वहाँ पे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो हम लोगों ने अपना करिकुलम भी अपडेट किया है और उसमें जो वोकेशनल कोर्सेज, जो प्रोफेशनल कोर्सेज इस बार ऐड किए गए हैं उनकी नंबर संख्या बहुत ज़्यादा है, 19 के करीब कोर्सेज हमने ऐड किए हैं जिनमें ये सारी चीज़ें ठीक से सिखाई जाएंगी, जो कैसे हमने वीडियो को रिकॉर्ड करना है, कैसे साउंड को करना है, कैसे क्लिपिंग करना है, कैसे स्टोरी बनाना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम सही तरीके से किस प्लेटफॉर्म के लिए आप बना रहे हो, टीवी के लिए बना रहे हो या यूट्यूब के लिए बना रहे हो या आप किसी दूसरे सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो, तो वो सारी चीज़ें करी जाएंगी। और इसी के क्षेत्र में हमने स्पेशली कहा है, क्योंकि देखिए कई बार इस तरह के हमें टीचर्स भी नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हम ये निर्धारित किया कि ऐसे पत्रकार बंधु जो इन कामों में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जो इन कामों को कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे स्पेशली बुलाएंगे ताकि वो हमारे बच्चों को ट्रेन कर सकें। और जो ये नई चैलेंज आई है कि नए मीडिया को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, कैसे बच्चों को वहाँ पे बताना है, ठीक से उनका प्लेसमेंट एंश्योर करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब समय के साथ हम बदलेंगे। तो ये चेंज हम लोगों ने किया है और हम लोग करने जा रहे हैं, और जैसे मैंने बताया 6 महीने के अंदर अंदर इसके आप रिजल्ट देखेंगे। तो ये रहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, जिन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया और आगे आने वाले समय में क्या कुछ नया करने वाले हैं ये भी इन्होंने तफसील से बताया। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज वेरी नाइस टू टॉक टू यू एंड आई फील के आप ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेंगी और सभी लोग लाभान्वित होंगे, और जो हमारे स्पेशली नौजवान साथी हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो आके इन सारी फैसिलिटीज़ का काशी विद्यापीठ में फ़ायदा भी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद क्लाउन का, वो अपना सामाजिक दायित्व बहुत ही सुंदरता से निर्वाह कर रहे हैं और मेरी पूर्ण शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि भविष्य में भी वो इसी तरह अपना कार्य करते रहें।
ग्राउंड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ग्राउंड टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को